सो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आपका दोस्त और रोज रोज उषा लेकर आ गया है एक्साइटिंग वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका नीट 2020 का रिजल्ट क्यों लेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं इसमें यही बताने वाला हूँ और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो इसे पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब आंसर की आई थी थोड़े दिन पहले, काफ़ी टाइम हो गया उसे, 10 दिन के करीब हो गए, तो हमें लगा था कि अक्टूबर के पहले 4-5 डेज में रिजल्ट आ जाएगा, पर वो नहीं आया। क्योंकि हर बार ऐसे ही होता था कि जब आंसर की आ जाती थी तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता था, पर इस बार OMR भी उन्होंने लेट दिया है और इस बार ये भी ऑप्शन जोड़ दिया कि OMR चैलेंज भी कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत चेंज होने की, अभी तो बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। क्योंकि दोस्तों, आपने लास्ट ईयर न्यूज़ तो सुनी होगी कि आपकी MCI टर्मिनेट हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो MCI पहले काउंसलिंग कराती थी वह हो चुकी है ख़त्म, और अब काउंसलिंग कौन कराएगी आप ये सोच रहे होंगे। तो यहीं से अपना पॉइंट शुरू होता है कि नीट का रिजल्ट डिलेट क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस साल जब MCI को ख़त्म किया गया तो उस साल ही NMC को अपॉइंट किया गया काउंसलिंग कराने के लिए मेडिकल स्टूडेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, NMC को अपॉइंट किया गया। वो इतनी जल्दी हुए था वो डिसीजन कि उन्होंने उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं बनाए। तो दोस्तों, अब जैसे जैसे काउंसलिंग के दिन पास आ रहे हैं तो उन्हें रूल्स और रेगुलेशन तो बनाने पड़ेंगे, कुछ चेंज तो करना पड़ेगा, तो वो अब उन्हीं चेंज करने में लगे पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ये सारी की सारी जो डिलेड हो रहा है, ये इस वजह से हो रहा है कि NMC अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है और बैठक बुला रही है सब ऑफिशियल्स की, और उनके साथ बैठ के डिस्कस कर रही है, क्योंकि बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका नीट 2020 का रिजल्ट डिलेड हो रहा है, क्योंकि MCI हो चुकी है टर्मिनेट और NMC नए रूल्स बनाने में लगी पड़ी है। क्योंकि अगर आपका एक बार रिजल्ट आ गया है ना, तो उन्हें जल्द से जल्द काउंसलिंग करानी पड़ेगी, तो वो सोच रहे हैं रिजल्ट डिलेट कर देते हैं, काउंसलिंग डिलेट करने से कोई फायदा होगा नहीं। सो उम्मीद है कि आपको ये रीज़न बिल्कुल समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि ये रिजल्ट कब आने वाला है, क्यों नहीं आ रहा है। और साथ ही आपको ये पता लग गया होगा कि अब तक बहुत ज़्यादा चेंज हो सकते हैं, काफ़ी रूल्स में चेंज हो सकते हैं, बट टेंशन मत लीजिए, जो भी रूल में चेंज होगा मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई है तो इसे लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे। और दोस्तों, नीट का रिजल्ट जल्दी ही आने वाला है, इतनी टेंशन मत लीजिए कि कब आएगा, 4-5 दिन में आ जाएगा। तो उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं अभी पूरी लिस्ट बनाने वाला हूँ कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज MBBS मिलेगा और BMS वगैरह सब कुछ बनाऊंगा। और मैं ऐसी ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर बनाते रहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आती है NTA की तरफ से और या फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन आती है वो मैं सबसे पहले इस चैनल पर लाता हूँ। और मैंने अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बहुत कुछ बता रखा है और इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में भी काफ़ी कुछ बता रखा है, तो जाकर प्लेलिस्ट में देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।